हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरबी अनबॉक्सिंग। तो एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। दिल्ली में लग चुका है 2 दिन का कर्फ्यू, 2 महीने तक, सैटरडे और संडे। बट अनबॉक्सिंग फिर भी आएगी और रोज आएगी, शाम को 7 बजे वीडियो आपकी आई जाती है। देख लीजिए आप, रोज की वीडियो है। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कंट्रोल स्विच के ऊपर, हैंडल बार स्विच जिसे हम बोलते हैं, हॉर्न स्विच, डिपर स्विच, आपने नाम सुना ही होगा। कंट्रोल स्विच भी बोलते हैं, हैंडल बार स्विच भी बोलते हैं। तो करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको कैसी होती है कंट्रोल स्विच और कैसे होते हैं हॉर्न स्विच या डिपर स्विच सेल्फ स्विच। तो चलिए, तो दोस्तों देख रहे हैं सामने स्टार सिटी, स्टार सिटी मैंने तो मार्कर से लिखा हुआ है। वैसे ये तीनों कंट्रोल स्विच है हमारे, हैंडल बार स्विच जिसे हम बोलते हैं, स्टार सिटी के। अब स्टार सिटी में जितने भी मॉडल आए मैंने तीनों के डाल दिए, प्लस और ये जो अभी नया मॉडल, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है इसे छोड़ के, बाकी जितने भी पुराने मॉडल आते थे 1, 2, 3 या पुराने के बाद वाले भी मॉडल, इसमें तीनों हैं और यही तीन तरह के हैं। अब वाला मैंने चेक नहीं किया, उसे भी देखूंगा और उसकी भी जल्दी जल्दी बना के दूंगा। और ये है हमारा FZ का यामाहा, और इसका जेन्युइन भी है हमारे पास यामाहा में और मिंडा में भी है, दोनों में। इसमें मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सा आपको लेना चाहिए, मिंडा लेना चाहिए या फिर यामाहा जेन्युइन लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ये है हमारा i3s स्विच। किसी किसी की बाइक में i3s काम नहीं करता, खराब हो जाता है, बोलते हैं कि हमारा i3s काम नहीं कर रहा है। तो ये भी उसके लिए दिखाएंगे कि ये कितने का है, क्या है। और ये हमने एक राइट साइड का लिया है, ये सारे लेफ्ट साइड के हैं स्टार सिटी के, ये लिए हमने राइट साइड का स्टार सिटी सेल्फ का। RH मैंने मार्कर से लिखा हुआ है, MRP है, इसे भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे करते हैं, चलिए सबसे पहले TVS के जनरल राइट साइड से करते हैं। तो पार्ट नंबर देख लीजिए इस पे, सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या है कंपनी ने लिखा है इस पे कंट्रोल लीवर असेंबली राइट हैंड स्टार सिटी इलेक्ट्रिक स्टार्ट। इसका मैं बता देता हूँ, कंट्रोल लीवर जो असेंबली है हमारी, ये लीवर है कंप्लीट। TVS स्टार सिटी जो है कंप्लीट देती है लीवर के साथ पूरा योग। देख, तो चलिए पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और दिखाते हैं इसको कि कैसा है ये। तो ये हमारा आ गया स्पेशल चाकू, जो कहीं कुछ हो गया था, इधर उधर हो गया था, ये हमने किया इसे कट। और आ गया ये हमारा, पैकिंग को करेंगे साइड और आएंगे अपने असली असले के ऊपर। असला बोले तो असला बारूद अपना, वो वाला नहीं यार। चलो ये देख लीजिए, ये है हमारा लीवर कंप्लीट और इसके अंदर योग भी, इसे योग बोलते हैं, इसे कंट्रोल, ये योग हो गया, ये कंट्रोल स्विच हो गया, ये लीवर हो गया। तो कंट्रोल असेंबली हो गई पूरी कंप्लीट दी है। ये हमारा सेल्फ का बटन है, देख पा रहे हैं आप सेल्फ का बटन, ये यहाँ से हम सेल्फ लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कंपनी, देखो TVS की ओरिजिनल है, अभी आपके सामने मैंने TVS का ओरिजिनल फाड़ा है और लिखा क्या है यहाँ पे, देखो मिंडा, देख रहे हैं मिंडा कंपनी का। आपके सामने TVS की जेन्युइन पैकिंग से निकाला मैंने, ये है हमारी TVS की जेन्युइन पैकिंग और यहाँ पे देख लीजिए मिंडा लिखा हुआ है। योग पे भी मिंडा है, लीवर पे भी मिंडा है और दो ही जगह मिंडा दिख रहा है मुझे तो, बस हाँ दो ही जगह मिंडा है। तो ये मिंडा का है, जिसके अंदर हमारा एक सेल्फ का बटन है, एक फ्रंट ब्रेक स्विच है, ये हो गई हमारी कंट्रोल स्विच की वायर, जो कि रेड कलर की दो वायर का कपलर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारा कंट्रोल स्विच स्टार सिटी सेल्फ स्टार्ट का। इसे के करते हैं साइड और आते हैं अपना अब इसके लेफ्ट साइड के कंट्रोल स्विच पे। तो ये तुम्हारा राइट था जो कि TVS की जनरल पैकिंग में था। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मिंडा ओरिजिनल है या लुकल है। तो देख लिया आपने जनरल में मिंडा निकला, अब आते हैं मिंडा के ऊपर। तो इसको हमने साइड किया और आते हैं अपना पहला बॉक्स खोलते हैं, पहले पार्ट नंबर दिखा देता हूं इसका तीनों का। ये देखिए 0251B और 0251C और 0251G, तीन है ये। तो पहले हम अपना इसे खोलते हैं 0251B को, आते हैं इस पे सबसे पहले स्टिकर पे, हैंडल बार स्विच लेफ्ट किक स्टार्ट स्टार सिटी और MRP है सिर्फ ₹450। आपने देखा कि वहाँ पे राइट साइड का छोटा सा कंट्रोल स्विच, उसकी MRP हमारा, उसकी MRP थी सिर्फ ₹315, मतलब ₹315 थी और इसकी ये ₹450 में आपको पूरा कंप्लीट मिलता है लेफ्ट साइड का, जो कि बहुत हैवी। अगर इसे आप TVS में लेंगे तो ये बहुत महंगा है TVS में, मैं बता देता हूँ ₹500 से ऊपर है TVS में। तो बॉक्स को करेंगे साइड और आएंगे अपना असली असली पे और इसे भी हम करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको कि ये क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी तो देखो A1 ही मिलेगी। ये हो गया साइड, तो ये ले लेते हैं सबसे पहले वायर। ये है हमारी दो कपलर जिसमें एक है हमारा 3 वायर का,
ठीक है, और एक है हमारा, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कपलर है 8 वायर का। वैसे तो 9 वायर का होना चाहिए था, बट एक वायर इसमें इन्होंने नहीं दी है इसलिए 8 वायर का कपलर है। तो दो कपलर हैं इसके अंदर, एक 8 वायर का और एक 3 वायर का। और ये है हमारा लेफ्ट साइड का कंट्रोल स्विच, या कंट्रोल असेंबली, या लीवर असेंबली कह सकते हैं आप इसे। ये हॉर्न का हो गया, इंडिकेटर हो गया, ठीक है, डिप्पर हो गया, हेडलाइट हो गई, और ये पासिंग हो गई। देखते हैं किस कंपनी का है, नाम लिखा है या नहीं। कंपनी तो देख ली, नाम देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है यूनो मिंडा, और दूसरा यहाँ भी लिखा है यूनो मिंडा, यूनो मिंडा, यूनो मिंडा। तो कंपनी ने मार्क किया हुआ है कंपनी ने, तो इसे भी साइड करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे असेंबली पे हम। तो ये है हमारा, ये ले लेते हैं, चलिए। ये है हमारा हैंडल बार स्विच लेफ्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्पॉट CVTi, स्टार स्पॉट का जो CVTi मॉडल आया था वो है ये। और सेल्फ स्टार्टर तो बहुत महंगा है, 625 रुपये का है। खोलते हैं इसे और करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं। ये हम बॉक्स को करेंगे साइड, इसे भी करेंगे साइड, बॉक्स को करेंगे साइड, और आएंगे अपने असली माल पे। तो इसमें भी लीवर देख लेते हैं, वही सेम टू सेम 8 कपलर, मतलब 9 कपलर, 9 तार का कपलर है, बट 8 तार दे रखे हैं इसमें। और ये है हमारा 3 तार का कपलर। और लीवर असेंबली देखते हैं, डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा है? कोई नज़र नहीं आ रहा, फ़र्क सेम है, देख लीजिए। और सेम टू सेम है, कहीं ना कहीं किसी वायर का ही फ़र्क होगा, कलर का या जो भी है। और ये लीवर है हमारा, और इस पर भी देखते हैं कि मिंडा कहाँ कहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे यूनो मिंडा लीवर के ऊपर भी है, और हमारा योग असेंबली जो हमारे कंट्रोल स्विच असेंबली वहाँ भी है, और एक और जगह मेंशन है यहाँ असेंबली पे, ये रहा मिंडा। तो देख लीजिए आप, मिंडा मेंशन है, मिंडा। तो इसे भी साइड करेंगे और आएंगे अपना तीसरे और आखिरी स्टार सिटी के लीवर असेंबली पे। पहले इसका भी देख लेते हैं बॉक्स पे। तो ये है हैंडल बार स्विच लेफ्ट किक स्टार्ट स्टार स्टार स्पॉट स्टार सिटी और स्टार डीलक्स, और MRP इसकी 505 रुपये है। तो करते हैं इसे अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या अलग है। ये स्टार स्पॉट का है, तो इसे ये स्टार स्पॉट में लगेगा। करते हैं इसे अनबॉक्स और इसमें देखते हैं कपलर अलग है। देखिए, इसमें लाल वायर का एक कपलर है जिसमें कि पूरी पूरी वायर है 9 की 9, और एक है 3 वायर का और इसमें भी 3 वायर हैं। तो 9 और 3 के 2 कपलर, 9 वायर और 3 वायर वाले, और बाकी देखने में ये भी सेम है, डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। बस वायर का फ़र्क है, चौक लीवर नीचे, चौक लीवर है ये, कंप्लीट चौक का लीवर दिया हुआ है। हॉर्न स्विच, इंडिकेटर स्विच, डिप्पर स्विच, हेडलाइट स्विच और पासिंग स्विच। और देखते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देख लीजिए, लीवर के ऊपर यूनो मिंडा लिखा हुआ है यहाँ पे, और योक के ऊपर भी यूनो मिंडा लिखा हुआ है, और कंट्रोल स्विच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मिंडा लिखा हुआ है। देखिए मिंडा, देख पा रहे हैं आप, मिंडा। तो ये भी हमने देख लिया स्टार स्पॉट का, सेल्फ स्टार्ट वाला, इसे भी साइड करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमें, छोटा रखना है। अब लेते हैं FZ को, हीरो का लास्ट में दिखाएंगे, FZ पे लेते हैं सबसे पहले मिंडा में। तो हैंडल बार स्विच लेफ्ट FZ 16, और MRP है इसकी 361 रुपये। तो करते हैं इसे अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको कि FZ का लीवर असेंबली कैसी होती है। दरअसल बॉक्स को साइड में करते हैं और आते हैं अपना सबसे पहले इसके कपलर पे। तो देख लीजिए, 3 वायर और 6 वायर के 2 कपलर हैं, ठीक है, एक का 3 वायर है और एक का 6 वायर है, और तार काफ़ी लंबी है। ये देखिए कितनी लंबी तार है। और देखते हैं मिंडा लिखा हुआ कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ मेन नीचे मिंडा लिखा हुआ है स्विच के, दूसरा तो कहीं दिख नहीं रहा लिखा हुआ मिंडा। बाकी ये हमारा पासिंग है, ये है हमारा डिप्पर, हाई बीम लो बीम जिसे हम बोलते हैं, और ये है हमारा इंडिकेटर, और ये है हमारा हॉर्न। तो ये था हमारा मिंडा के अंदर FZ 16 का लेफ्ट कंट्रोल स्विच। तो ये देख लिया हमने। अब आपको एक ट्रेजेडी दिखाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप मिंडा में ही लो, बस आपको ये देखना है कि सस्ता किस में पड़ता है और महंगा किस में पड़ता है, और वो जेन्युइन होना चाहिए। तो ये मिंडा का देखा हमने कि हमें पड़ रहा है 361 रुपये का FZ का, और
ये अब हम आएंगे अपना यामा जेनून पे, जो कि हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है यामा का। कुछ पार्ट यामा में देखो ये पड़ रहा है हमें सिर्फ 305 रुपए का, यहाँ पे सूखा सूखा आपके 50 रुपए तो ऐसे ही बच गए, और डिस्काउंट जो मिल जाए वो एक अलग बात है। तो पार्ट नंबर इसका 21CH397201 और लिखा है यहाँ पे स्विच हैंडल, और 305 MRP है। तो करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कंपैरिजन में कि इतना सस्ता क्यों है जैनवन में और विंडा में इतना महंगा क्यों है ना। तो तार देख लीजिए, वही लंबा और सेम टू सेम 6 वायर और 3 वायर का कपलर जो उसमें था, और स्विच में देख लीजिए विंडा में देखो चौक नहीं है, ठीक है, बट जैनवन में चौक भी साथ में है। तो ये है हमारा हाई बीम लो बीम, ये पासिंग है हमारी, ये इंडिकेटर है, और ये हमारा हॉर्न हो गया। और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी देखिए मिंडा, मैंने आपके सामने यामा से निकाला है जेनुइन और निकला है कि उसका मिंडा का। तो जरूरी नहीं है कि आपको मिंडा ही लेना है, मिंडा सस्ता हो तो लो, अगर महंगा पड़ रहा है आपको यामा जेनुइन से भी मिंडा तो फिर तो बेवकूफ़ी है, फिर तो मतलब ये लगा लो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आप सोचेंगे कि आप मिंडा की वीडियो क्यों दिखाते हो, मैं मिंडा की वीडियो इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पता लगे कि जेनुइन में कौन सा निकल रहा है, और आप वीडियो अगर रेगुलर देखेंगे तो आपको ये भी पता लगता रहेगा कि आपको किस कंपनी का स्विच, कौन सी चीज़ें किस कंपनी में खरीदनी है। ये स्विच आप मिंडा में नहीं लेनी, तो आपको जेनुइन लेनी चाहिए, और जेनुइन ही आपको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। कहीं कहीं मिंडा भी खेल जाता है, जैसे कि अभी अभी देख ही लिया आपने एग्जाम्पल। तो बस हम ये अनबॉक्सिंग कर चुके, अब लास्ट अनबॉक्सिंग करते हैं अपने हीरो की, हीरो लवर के लिए हीरो जेनुइन पार्ट। आते हैं अपना पार्ट नंबर पे 35150AF041S, और ये है हमारा स्विच असेंबली स्विच असेंबली स्टार्ट एंड i3S। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसमें स्टार्ट ही बोले तो आपका जो ये सेल्फ मार देना आप, सेल्फ से स्टार्ट भी हो जाएगी आपकी, और अपना i3S जो होता है अपना हैंडल के अंदर वो भी काम करेगा, हैंडल के स्विच के अंदर होता है, कंप्लीट इसी के अंदर है, दोनों काम करेगा ये आपका, स्टार्ट भी करेगा बाइक और i3S भी है इसमें। तो करते हैं इसे अनबॉक्स। 4 वायर का इसका कपलर है, और ये तार है इसकी देख ली, और इसके अंदर है ये भी देख लीजिए मिंडा का ही है, देखिए मिंडा, और ये है हमारा स्टार्ट जो लिखा था पन्नी पे स्टार्ट, एंड i3S हमारा ये हो गया ऑन ऑफ। किसी किसी का हीरो का जेनुइन गाड़ियां आ रही है i3S वगैरह सब में i3S बोलते हैं भैया i3S खराब हो गया ये हो गया, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का, देख ले MRP सिर्फ 100 रुपए। तो किसी कस्टमर को लगता है कि यार बहुत महंगा होगा आप तो खराब हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपए का है। और अगर आपको देखो ये वीडियो मैंने बना दी आपकी सिंपल कंज्यूमेबल कंट्रोल स्विच के ऊपर है, जाहिर सी बात है कंट्रोल स्विच गाड़ी अगर रोड पे चलेगी तो चीजें खराब भी होंगी, और खराब होंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलना दोस्तों, मैं चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ दोस्तों, आप ही का सपोर्ट चाहिए बस, और वीडियो को बस एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और दिन किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक ले गुड बाय।